बिल्कुल बंद कर दो काम, अगर मुझे काम नजर आ गया तो मैं फिर आके मार पड़ेगी तुम्हारे पे, मैंने बता दिया है। हम तुम्हारे अगर सरकारी कर्मचारी हो तो मैं मारेंगे बिल्कुल, फिर ये हमारे पर मुकदमा लगाओ, कोई बात नहीं भाई, हम जनप्रतिनिधि हैं, पूछा मुझसे होगा मुकदमा झेलेंगे, लेकिन गलत काम नहीं होने देंगे। चलो मैं अभी अभी कहीं बाहर फीस निकालो, कितना इनका मटेरियल रहना चाहिए उतना है कि नहीं है, इसकी रिपोर्ट मुझे भेजो, इसका भुगतान कितना उसकी डिटेल मुझे भेजो जी सर, कितना इनको भुगतान आपने कर दिया, कैसे चलते हैं बिना चाबी के चलता हो, वो वही खड़ा रहना चाहिए, इसकी फोटो खींच रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, यहाँ पे हिलना भी नहीं चाहिए, समझ लो जब तक डीएम और एसडीएम का तब तक काम नहीं करना है, सुनिए भाई तुमने, इतना मार भी पड़ेगी तुम्हारे को बता दिया, ये तुम्हारे को ही बता रहा हूँ मैं, ये अगर मैं अपनी पे आ गया तो मार भी पड़ेगी साथ में, ये पैसा जनता का है, ये तुम्हारे बाप का पैसा नहीं है किसी का भी, ये तो जिस तरह से काम चल रहा है ये इस तरह से चलना नहीं चाहिए काम, ये कब तुमने काम चालू करा, हमें ये खबर भी नहीं है तुमने काम चालू करा दिया, ये पैसा हम लोग ला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं हम लोग दिन रात इस रोड को कटवाने के लिए, उसका डामरीकरण कराने के लिए, और आप लोगों ने काम चल के मिली भगत आप लोगों की, और जनप्रतिनिधियों पर आरोप लग रहा है, यहाँ के प्रधान रोड का विधायक जी, यहाँ के क्षेत्र पंचायत सदस्य है, इनसे क्या मिली भगत आप लोगों की, मेरे को इस साइड पे कभी देखा आपने, आप जानते हो कि मैं विधायक हूँ यहाँ का, मेरे से क्या मिली भगत भैया तुम्हारी, तुम यहाँ के सुपरवाइजर हो इसके, तुम्हारा ठेकेदार क्यों नहीं आया, घर गए तो यहाँ कौन काम करा रहा है, यहाँ साइड पे भैया ठेकेदार रहना चाहिए खड़ा हुआ, ये लग भी नहीं रहा मुझे सुपरवाइजर है, इसे पता ही नहीं कुछ क्या काम करा रहे हो आप लोग, भाई घर में बैठ के काम नहीं होगा, एक एक किलोमीटर पे काट के मुझे पैच दिखाओ कितना माल डला, ये क्या क्या काम हो रही है, अब वो जाके तुम्हारी टल्ली लग रही है ना, अभी तुम्हारे आदमी हमारे को देख के हम आए तो वो जाके केमिकल डाल रहे हैं ऊपर से, कोई मजाक बना दिया तुम लोगों ने, तुमने पैराफिट देखे रास्ते में टूटे हुए पैराफिट, तो क्या कर रहे हो आप लोग, कैसे पेमेंट कर रहे हो, पैराफिट के ऐसे ही बनता है जैसे बना हुआ उनका पैराफिट, एक एक पैराफिट को तोड़ के दिखाओ भाई मुझे, अभी कैसे टूट गया पैराफिट इतनी जल्दी, इसका मतलब तुम लोगों की मनमानी चल रही है जैसे चलोगे, ये काम जब तक डीएम साहब की और एसडीएम साहब की रिपोर्ट मेरे पास नहीं आती कब तक काम स्टार्ट नहीं होगा, इस काम को आज बंद कर दो, आज ही बिल्कुल इमीडिएट टाइम से बंद करो इसको, नीचे से हो रहा बता रहे हैं वो भी बंद करो, एक एक किलोमीटर में पैच काटो, कहीं पे हमारे जनप्रतिनिधि साथ में रहेंगे, क्षेत्र पंचायत है, ये प्रधान लोग हैं यहाँ पर आए हुए साथ में, एक एक एरिया में जहाँ बताएंगे किस एरिया से पीस काट के दिखाओ उसमें उतना माल रहता कि नहीं रहता वो हमारे को बताओ पहले, हमारे को रिपोर्ट आनी चाहिए, मैं डीएम साहब से भी निवेदन कर रहा हूँ अभी, एसडीएम साहब को बोलना अर्धा नोट करो, एसडीएम साहब को बोलो यहाँ जाएंगे मौके पे, बिल्कुल मिली भगत हो रही है यहाँ पर, इन लोगों की मिली भगत है, ये जो यहाँ के एनपीसीसी के कर्मचारी और ठेकेदार के जो लोग हैं, और हम जनप्रतिनिधि बदनाम हो रहे हैं, जनप्रतिनिधि तो खाली बदनाम, ये पैसा भाई भारत सरकार का पैसा, खून पसीने की कमाई है लोगों की, इसमें बदनामी हम लोगों की, और ये काम आप लोग कर रहे हो, आप लोग क्या देख रहे हो, जब यहाँ साइड पे जाइए तो क्या देख रहे हो, वो अगर आप यही हैं तो क्यों नहीं आते भैया साइड पे, क्यों नहीं आता आपके एक्शन यहाँ पे, आप बंद करो काम, ये चलेगा नहीं भाई, ये इसकी मोटाई भी मुझे लगता है जगह जगह से कम है, एक एक किलोमीटर में कितना किलोमीटर जो काम हो गया, हर किलोमीटर में पैच काट के मुझे दिखाओ, बोलिए बोलिए, जितना चेक कराओ उसमें कितना मटेरियल रहना चाहिए मानक के आधार पर, मुझे पता नहीं मैं क्यों ठेकेदार नहीं हूँ, लेकिन वो कितना रहना चाहिए ये बताना, हमारे जनप्रतिनिधि साथ में रहेंगे, जिस दिन चेकिंग पाएंगे आप एसडीएम साहब को चिट्ठी बनाकर भेजो, डीएम साहब को कॉपी करो उसकी, ये काम बंद करो, जब तक ये रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक काम बंद रहेगा जी सर, जी बिल्कुल बंद कर दो काम, अगर मुझे काम नजर आ गया तो मैं फिर आके मार पड़ेगी तुम्हारे पे, मैंने बता दिया है, हम तुम्हारे अगर सरकारी कर्मचारी हो तो मैं मारेंगे बिल्कुल, फिर ये हमारे पर मुकदमा लगाओ, कोई बात नहीं भाई, हम जनप्रतिनिधि हैं, पूछा मुझसे होगा मुकदमा झेलेंगे, लेकिन गलत काम नहीं होने देंगे, चलो मैं अभी अभी कहीं जनता के लोग जाके यहाँ वीडियो बना रहे हो, कह रहे कि जनप्रतिनिधि मिले हुए, ये तो एक ट्रेलर है, यही हालत है, तुम तो बता रहे हो काम रुको, सारा योजना सब में वही हाल है, तुम्हें समझ आ गया भैया, काम बंद करो, अगर अगर मुझे कल काम दिख गया ना, ये तो मेरे गांव की माँ बहन है, और अगर तुम्हारा बाहर का आदमी एक भी दिख गया डंडे मार के, ये डंडा पटाओ यहाँ से कल से, काम अभी काम रुका दो भैया, जब तक ये तुम्हारा कितना किलोमीटर बन गया इसकी रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक काम नहीं कर रहा, भुगतान क्या तुमने कर दिया है वो मुझे डिटेल भेजो, और किस कंडीशन में तुमने भुगतान कर दिया, तुम इसका मतलब सेटिस्फाइड हो तब तुमने भुगतान करा, तभी तुम भुगतान, अगर तुमने सेटिस्फाइड होकर भुगतान किया होगा ना, तो कैसे अभी एक रुपए का भुगतान नहीं होना चाहिए जब तक किसकी रिपोर्ट नहीं आएगी, मैं डीएम साहब को भी कह रहा हूँ, और आज मुख्यमंत्री जी को भी माननीय मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखोगे कि इस तरह पैसे की बर्बादी कर रहे हैं लोग, और जो जेई साइड पे वो साइड पे रहे भाई, जब काम हो रहा है तो कोई दूसरे लोग अगर वीडियो बना रहे हैं तो इसका मतलब तुम घर में बैठे हुए सो रहे हो, फ्री की तनख्वाह ले रहे हो, साइड में थे प्रेजेंट तो साइड में थे तो लोग कैसे वीडियो बना रहे हैं, तुम कहां थे उस समय, मैं भी सर साइड में ही था सर, तो फिर कैसे लोग बना रहे हैं भाई, जब तुमने काम करा साइड में आए थे सर, और उसके बाद तुम वहां चेपी लगा रहे हो, चेपी नए रोड पे चेपी लगा रहे हैं क्या मतलब, वो चेपियां रास्ते में क्यों लग रही है, अपनी गाड़ी मोड़ के लाओ वापस, मुझे सिखाओ चेपियां क्यों लगा रहे हो भाई, पूरा नया काम है, पूरा नया करवाओ दोबारा इसको, जहाँ कमी है सारा उखाड़ो उसको, उखड़ते हुए नजर आना चाहिए भैया, जहाँ इनकी कमी नजर आई है फोटो खींच रहा हूँ उखाड़ के, मुझे व्हाट्सअप कर रहा हूँ,
तुम बीडीसी मेंबर हो क्षेत्र के, तुम्हारे पर भी आरोप लग रहा भाई। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि क्या होता है? क्षेत्रीय प्रधान, इसका मतलब पड़िया का प्रधान जो लक्ष्मण है वहाँ से लेकर यहाँ तक तुम्हारा जो प्रधान है ये कुशिया चौन वाला बातचीत। इनको तो रोज बोलता हूँ मैं, इनको भी रोज। इसका मतलब तुम प्रधानों ने मिली भगत करी हुई है। मैंने मिली भगत करी है, जनप्रतिनिधि और कौन है यहाँ पर? ये लोग काम करा रहे हैं, ये ठेकेदार पैसे कमा के यहाँ से चंपावत का ठेकेदार है। बिल्कुल काम नहीं चलेगा, अभी आज बंद करा दो काम को, जब तक इसकी पूरी रिपोर्ट नहीं आएगी। ये पूरी रिपोर्ट चेक कराओ, एक किलोमीटर में पीस काटो, हमारे जनप्रतिनिधि साथ बनेंगे, क्षेत्र की जिला पंचायत सदस्य को बुलाओ। कौन है जिला पंचायत सदस्य? प्रवीण जी साथ रहेंगे, यहाँ के क्षेत्र पंचायत कौन कौन है और एक तुम और के प्रधान है, वो सब प्रधान इनके साथ रहेंगे। सबको बुलाओ भैया, आप निमंत्रण दो सब प्रधानों को, इनको पत्र जारी करो, जितने क्षेत्र के प्रधान है, जितने बीडीसी मेंबर है, जिला पंचायत है, जब आप ये पीस काट के चेक कराओगे, उसका वेट कराओगे, तो ये साथ में रहेंगे। ठीक है सर। और उसके बाद एसडीएम साहब के पास रिपोर्ट भेजोगे, मुझे मेरे पास रिपोर्ट आनी चाहिए। जी सर, जी। उसके बाद जब हम लेटर भेजेंगे, इनका भुगतान किया जाए, तब इनका भुगतान होना चाहिए। अगर उससे पहले भुगतान होगा तो ये मत कहना कि मैंने हाथ उठाया। आज से भी काम रोक के जाना, मैंने बोल दिया इस बात को। जब काम स्टार्ट करोगे मुझे खबर करोगे, या मैं आऊंगा या मेरे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि आएंगे, तब काम दोबारा स्टार्ट करना। मजाक बना दिया भैया, जनता का पैसा खून पसीने की कमाई है लोगों की, तुम लोगों के चक्कर में तुमने देखा हुआ क्या लिखा।